मैंने सारी स्ट्रेट जीरो लॉ स्ट्रेटेजी जब दी है तो साथ में मैंने ऑप्शन में आपको तीन स्ट्रेटेजी दी है, तो यहाँ पे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी करने का मन करेगा? अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ना रखू और परफेक्टली मुझे इसमें से बाहर निकलना है विद द प्रॉफिट, हमेशा आपके पास दो तीन स्ट्रेटेजीज रेडी होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एंट्री गेट एक होगा, एग्जिट गेट दो या तीन होंगे, एटलीस्ट दो होंगे। तो आपके पास अभी एग्जिट, एक एग्जिट आपने कर लिया है, बट दूसरा सेफली एग्जिट करना है। और हो सकता है ना आपने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद में भी ऊपर जा ही रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? क्योंकि 25,000 के मार्जिन में आपने दो लॉट लिया है, तो आपको कैरी तो करना होना नहीं है। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है, आप सारे मतलब बिग शॉट हो तो आपके पास बहुत सारा मार्जिन है, वो बात अलग है। मिथुन मैडम सर बिग शॉट। जैसा, हाँ मिथुन सर जैसा बहुत पैसा रहेगा नहीं समझ में आया, समझ में ही नहीं आया मुझे। क्या 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 बोला, थोड़ा लाउडली प्लीज। मिथुन सर जैसा बहुत पैसा रहेगा तो कर सकते हो वैसा। अच्छा मिथुन सर, अच्छा तभी मिथुन सर को इतनी अच्छे से स्माइल आई। यहाँ पे सारे तो बिग शॉट हैं, एक मैं ही एटीट्यूड वाली गरीब हूँ, बाकी सबके पास बहुत पैसा है। कौन बोल रहा है मैडम? क्या स्ट्रेटेजी बनेगी यहाँ पे? सिंपल है, अच्छे से ट्राई करिए। लेडी सुबह 10 बजे तक आएगी, अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज पर डे वो भी कमा लेगी। ठीक है, आप ही कमा लोगे मतलब और आधे घंटे में कमा के आप आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। वेरी सिंपल। यस मैम, अभी थोड़ी सी हिम्मत करूंगी मैं लेने की, धीरे धीरे फिर मुझे डाउट आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा परेशान आप नेक्स्ट करूंगी। बैच भी ज्वाइन कर लो ना। नेक्स्ट बैच मैं आई थिंक मैं फ्राइडे या फिर मंडे से शुरू कर रही हूँ। खैर 3 लोग हैं, बट मैं फ्राइडे या मंडे से शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सेटल होने दो मुझे, मैं सेटल ही नहीं हो पा रही हूँ अपने घर में, ओके नहीं तो मुझे भी घर वाले हकालने वाले हैं। सबका मालूम देखा हमने आईपीओ इक्विटी स्टॉक सिलेक्शन अभी आपके पास है, आपको किसी को स्टॉक पूछने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमारे पास जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है, मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी है, सेम स्ट्रेटेजी रास स्ट्रेटेजी से लेके हर आप स्टॉक फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। जितनी बार चाहिए वापस आप बिपिन सर, मिथुन सर, अक्षय सर एंड श्वेता मैम, आप रिपीट क्लासेस कर सकते हो। जो भी डाउट है आप एनी टाइम मुझे फोन करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर। मैं ट्राई करती हूँ, कोई भी अच्छा कॉल आए तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर ही कर लेती हूँ, जिससे हो सकता है जल्द से जल्द आपकी फीस रिकवर होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फीस रिकवर करना कितने लोगों को इजी लग रहा है? अभी हो जाएगा, मुझे लग आपको रहा है मैम, लग रहा है? ओके, आसानी से हो जाएगा, मैडम एक हफ्ते में फीस रिकवर। एक प्रश्न होता। मी ते एंजल वन मध्ये बघितलं स्टॉक घेण्यासाठी म्हणून, पण त्याच्यामध्ये काय होतं मॅडम की इंट्राडेचं ऑप्शन दिसतंय, डे नाही दिसत। डे इज ऑलटुगेदर डिफरंट दॅन ऍक्च्युअली इंट्राडे। थिओरेटिकली डे आणि इंट्राडे वेगवेगळा आहे, पण लोक समजतात ते डे आणि इंट्राडे एकच, तुम्ही ते पकडून चला। म्हणजे तिथे फक्त तुम्ही इंट्राडे करायला जाल ना, तिथे एक ऑप्शन येईल बाइंग आणि सेल, ते तुम्ही करू शकता। हो नाही मग ते इंट्राडे होईल ना मॅडम। हो, पण आपण थिओरेटिकली ते अच्छा आपण बाय शिकतो, करू शकतो त्याच्यामध्ये, त्यांना बाय केला नाही तर मग माहिती। आपण थिओरेटिकली ओके। प्रॉपरली सायंटिफिकली सगळे वर्ड्स आपण क्लिअर केले, ऑलराइट ऑलराइट आणि जो काही प्रॉफिट होईल, जो भी प्रॉफिट होगा, 1-1% पुअर पीपल को डोनेट करते हैं, तो आप लोग मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मॅडम। प्रॉफिट झाला तर 2%। डन सर, माझ्यासारखी गरीब वस्तू तुमच्यासारखे मिळाली ना तर ब्लेसिंग जे घेतील तुम्हाला, तुम्ही 5% पण कराल नंतर। हो ना, बहुत अच्छी कैसे लगा आपको? मॅडम। आय वॉज क्वाइट झिरो, पण आता बऱ्यापैकी कन्सेप्ट क्लिअर झाल्यासारख्या झाल्यात। म्हणजे राईट नाऊ आय एम नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स अँड गेन्स,
आय जस्ट वॉन्टेड टू क्लिअर क्लिअर माय माइंड फर्स्ट, दॅट हॅज हॅपन्ड, हेन्स फॉर्थ आय विल थिंक अबाउट द प्रॉफिट नाउ. बहुत अच्छे से सिखाया मैम आपने सब कंसेप्ट बेसिक्स, जैसे हम लोग न्यू लर्नर्स है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बहुत नॉलेज गेन हुआ है इससे. जैसे ये स्ट्रैटेजीज आपने जो सिखाई वो भी बहुत हेल्पफुल है, अभी प्रैक्टिकल यूज करना बाकी है, बट वो अभी अच्छे से समझ में आ गई तो यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये सब स्ट्रैटेजीज. ये सच्चे सर कॉन्फिडेंस लेवल वाढली मॅडम मार्केट मध्ये स्टँड घेण्याची. ओके, म्हणजे पहिलं असं होतं ना की कसं ट्रेड घेतला आणि जर समजा मायनस मध्ये चाललोय आपण, ऑब्विसली थोडा तरी आपण 500,000 रुपये मायनस मध्ये येणारच थोडा, तर त्यावेळेला भीती वाटायची की नाही आता मी लॉस झालं एक्झिट करायचं लॉस मध्ये. आता तसं नाहीये, आता मला कॉन्फिडंट आहे की मी जो ट्रेड घेतलाय तो मी लॉस होणारच नाही, कारण माझ्याकडे प्रॉपर स्ट्रॅटेजी आहे. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू सो मच. यस बिपिन सर, आज आपका माइक से आवाज आना चाहिए बस. क्लास करने से पहले मुझे लगता था कि बेसिक सब पता है मुझे, लेकिन क्लास करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया था, तो वो अभी क्लियर हो गए डाउट्स. जब आप एडवांस में जाओगे, मतलब लाइक वेरी गुड पॉइंट आपने बोला है कि सभी का यही होता है कि डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे लेके जाओ, कोई ग्राउंड फ्लोर से आने के लिए रेडी नहीं होता है. सो यस, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं होगा या सुना भी नहीं होगा शायद से. कितने लोगों ने ये न्यूज़पेपर देखा हुआ है. थैंक यू शुक्र, और आप भेज रहे हो. तो पीडीएफ डाउनलोड हो गया आप लोगों का टेलीग्राम का ना मैम? हाँ हो गया मैम, हो गया ना. तो कल से आप लोग ही मुझे अभी फंडामेंटल न्यूज दोगे ना, तो सारी डिटेल्स आप लोग ही मेरे साथ शेयर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा. जैसे कि अभी टीवी पे इंटरव्यू है तो मेरे पास आप लोग न्यूज दे दोगे, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे देते हैं. आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी आसानी हो जाएगी और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी. नहीं अभी तो समझ रहे हैं उसको हम, लेकिन आप पहली नजर जाती है टॉप गेनर टॉप लूजर पर. यस डेफिनेटली, तो वो बहुत जरूरी रहेगा. और वो हमें जो भी फॉर्मूलेज है वो अगर आप न्यूज़पेपर्स एंड वो सारे अगर फॉर्मूलेज आप कर लेते हो ना तो आप लोग आसानी से सारी चीजें कर लोगे. फंडामेंटल न्यूज में आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, उस हिसाब से अगर आपको करना है आप होमवर्क कर सकते हो. वैसे लास्ट सेशन में हमने दे दिया था, फिर भी थोड़े से और फंडामेंटल्स अगर मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूं, तो कौन सा स्टॉक गिर रहा है और मार्केट आज क्यों चढ़ रहा है. मतलब लाइक दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कल के डेट में कौन से स्टॉक मार्केट में गिरे थे ज्यादा, और फिर वो होने दीजिए फॉरेन कंट्रीज के होने दीजिए या अपने मार्केट के होने दीजिए. तो कल के मार्केट में टेस्ला और जूम बहुत ज्यादा गिरे हैं, तो इसका रीजन आपको फाइंड आउट करना है. टेस्ला और जूम अगर फॉरेन मार्केट में गिरते हैं तो इंडियन मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक है जिसका अफेक्ट हो सकता है. ये हो गया एक फंडामेंटल न्यूज. अगर आप कंपेयर करते हो रोज एफआईज की बाइंग की और सेलिंग की, जैसे काफी बार आप देख लेते हो कि फंडामेंटल न्यूज जब मैं अपडेट करती हूँ तो मैं एफआईज का बाइंग सेलिंग डेफिनेटली बोलती हूँ. तो अगर आप सैटरडे और फ्राइडे का वीडियो देखोगे तो सैटरडे के वीडियो में बोला था मैंने नियर अबाउट 6,000 करोड़ का सेलिंग किया था, वही डीआईज ने हार्डली कुछ 3,000 करोड़ का बाइंग किया था, तो 50% सेलिंग ज्यादा हुआ था. उसी कंपेयर में अगर लास्ट 10 days 1 month में FIs का बाइंग सेलिंग अगर आप कंपेयर करते हो तो 1788 करोड़ का सेल किया है. मतलब अगर एज पर कंपेयर लास्ट 10 days में देखोगे तो ये सेलिंग कम हुआ है. वही DIs ने बाइंग किया है 1147 करोड़ का बाइंग किया है. अब FIs ने बाइंग कौन से सेक्टर्स में किया है वो भी जरूरी होता है. अगर आपको डीपली जाना है तो वो भी आप निकाल सकते हो. अगर कल आप मुझे पूछोगे तो FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग किया है,
एफआईज के पास हर कोई सेगमेंट है, वो इक्विटी में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी वो काम कर सकते हैं। ज्यादातर वो फ्यूचर्स ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे, ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में। तो कल के दिन में अगर आप देखोगे तो एफआईज का सेलिंग कम हुआ है और साथ में उन लोगों ने स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग किया है। अब जब आप टेक्निकल में जाओगे, जैसे कि अभी मिथुन सर एंड बिपिन सर टेक्निकल में जाएंगे, तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि आज मार्केट में स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, कल से मार्केट क्यों अप हो रहा है। फंडामेंटल अगर रीजन मुझे पूछोगे तो एलआईसी इतने दिन से मार्केट में नहीं था। एक साइकोलॉजी होगी कि एलआईसी अभी मार्केट में आई है तो सपोर्ट मिलेगा, ये साइकोलॉजी होगी। उसके बाद में अगर आप मुझे पूछोगे तो 10 DMA का जो लेवल होता है, सस्टेन्ड लेवल होता है, तो वो अगर निफ्टी नहीं तोड़ती है नेक्स्ट 3 डेज, कल का आज का और कल का आज का और कल का डे अगर रहेगा, और 15,750 पे अगर सस्टेन कर पाती है, उसके नीचे नहीं जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट में हम लोग एक बाउंस बैक देखेंगे। अगर हाँ वो तोड़ देती है तो नई गिरावट के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। बहुत जरूरी होता है टेक्निकली फंडामेंटली चीजें फाइंड आउट करके उसके ऊपर वर्कआउट करना। तो ये है आपका ओके फंडामेंटल, इस तरीके से आपको टेक्निकल और फंडामेंटल सारी चीजें वर्कआउट करनी पड़ेगी। डाउट? तो इसके लिए न्यूज़ बहुत केयरफुली पढ़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और न्यूज के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो कर लो, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड हम लोग हमारे मैजिक फॉर्मूलाज एंड स्ट्रेटजीज के लिए और फॉर्मूलेज के लिए फॉलो करें, तो न्यूज के लिए इकोनॉमिक टाइम्स का भी आपके पास आराम से ऐप आ जाएगा, ईटी। और हाँ, प्ले स्टोर पर है सारे ये अवेलेबल। तो मुझे भी बहुत मजा आया विपिन सर, श्वेता मैम, स्पेशली आपके साथ हैप्पी फेस सुबह सुबह दिखता था, मिथुन सर के डाउट्स एंड अक्षय सर की क्यूरियोसिटी, क्लास थैंक मस्त हुई है। थैंक यू सो मच। यू थैंक यू थैंक यू मैडम। तो एक बार आप मैडम हेलो यस सर मैम, मतलब मिथुन सर का नंबर भेटेल का?